hello friends welcome to my channel hasti detrojan in our previous video we are discussing about fat soluble vitamins now in this lecture we are going to discuss about water soluble vitamins in our previous video we are discussing that what is vitamins and two types of vitamins first one is fat soluble vitamins and second one is water soluble vitamins so now in this lecture we are discussing about water soluble vitamins two types of water soluble vitamins are there vitamin b complex and vitamin c now what is vitamin b complex सो वाइटामिन बी vitamin वाइटामिन बी टू वाइटामिन बी vitamin वाइटामिन बी फाइव वाइटामिन बी सिक्स वाइटामिन बी सेवन वाइटामिन बी नाइन एंड वाइटामिन बी टूगेदर दे आर कोल्ड एज वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये जो सभी वाइटामिन सभी उसके टाइप से वो मिलके वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसा हम बोलते हैं नाउ व्हाट इज वाइटामिन बी वाइटामिन बी आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर दॉी सेल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली आपकी बॉडी जो है उसके जो सेल होते हैं उसका कार्य अच्छी तरीके से हो रहा है तो वो विटामिन बी की वजह से है दे बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म क्रिएट न्यू ब्लड सेल्स एंड में स्किन सेल्स ब्र सेल्स एंड अदर बॉडी टिश्यूज वो जो आपकी बॉडी की स्किन है आपके ब्रेन के सेल है और बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उसमें जो है वह एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है दे आर एट टाइप्स ऑफ वाइटामिन बी टाइप्स ऑफ वाइटामिन बी वाइटामिन बी वन इज ऑल्सो कौन था वाइटामिन बी टू Is also called riboflavin. Vitamin B3 is also called niacin. Vitamin B5 is also called pentathonic acid. Vitamin B6 is also called feridoxin. Vitamin B7 is also called biotin. Vitamin B9 is also called folate. And vitamin B12 is also called cobalamin. So together they are called as vitamin B complex. दोर्सिस ऑफ वाइटामिन बीर बी वन इज ऑल्सो कोल्थाइमिन पी वन आर वोलग्रेन फोर्टीफाइड ब्रेकफास्ट सेरेल्स मीट ये फोर्टीफाइड ब्रेकफास्ट सेरेल जो होता है वे ऐसी एक चीज है कि जिसमें जो है नेचुरली uh, न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है उसको जो है हम न्यूट्रिएंट है वो बाहर से एड किया जाता है और पैकेट में वो मिलता है नाउ द सोर्सेस ऑफ विटामिन बी टू रिब ऑफ इज मिल्क एग्स मीट मशरूम एंड ग्रीन वेजिटेबल्स द सोर्सेस ऑफ विटामिन बी थ्री Vitamin B3 is also called niacin, like mushroom, meat, and fortified breakfast cereals. The sources of vitamin B5 pantothenic acid are fertile cereals, organ meats, oats, brown rice, and broccoli. Now, the sources of vitamin B6 Vitamin B6 is also called peridoxin the sources are beef eggs fish mushroom and some vegetables now vitamin b7 vitamin b7 is also called niacin here these are the sources of vitamin b7 like avocados salmon pork sweet potato nuts beef liver now vitamin b9 vitamin b9 is also called folate these are the some sources of vitamin b9 like sunflower seeds seafood whole grains dark green leafy vegetables and peanuts vitamin b12 vitamin b12 is also called cobalamin these are the sources of vitamin b12 like milk eggs meat some yeast extract peanuts legumes liver breads fortified breakfast cereals dark leafy green vegetables and bananas strawberries and oranges what is vitamin b deficiency vitamin b deficiency is what is?

सिम्टी वेरी डिपेंडिंग यू आर डेफिशियन यानी कि ये जो वाइटामिन बी की डेफिशियंसी है वो इस पर डिपेंड्स होती है कि कौन के कौन से बी टाइप्स जो है उसके एट सब टाइप्स है तो ये सभी जो है उस पर डिपेंड रखता है कि कौन से बी वाइटामिन की आपको डेफिशिय है Some foods are high in several B vitamins, and certain foods are particularly high in specific B vitamins. Eating a balanced diet is a key to getting all nutrients your body needs. यानी सभी बी जो वाइटमिन है यानी बी वाइटमिन के सभी कॉम्प्लेक्स है ये सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट फूड में से आपको मिलते हैं तो सभी के सोर्सेस अलग है कौन सा सोर्स आप ले रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है और कौन से वाइटमिन बी की आपको डेफिशेंसी है ट वुमेन आर मोर एट रिस्क फॉर वाइटामिन बी यानी कि कोई भी ऑल्डर जो होते हैं एडल्ट है और प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें ज्यादातर वाइटामिन बी की डेफिशिएंसी पाई जाती है दे नीड लार्जर अमाउंट्स ऑफ समाइप्स ऑफ वाइटामिन बी उसको जो है वाइटामिन बी के समक वाइटामिन बी टूल्व प्रेगनेंट वुमन को ज्यादा देने चाहिए Certain conditions such as Crohn's disease, celiac disease, HIV, and alcohol use disorder can prevent the body from absorbing B vitamins effectively, increasing the risk for deficiency. ये जो सर्टेन डिजीज है ये सभी डिजीज जो है होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से बी विटामिन को फूड में से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और एब्जॉर्बन नहीं होने की वजह से हमें अच्छी एनर्जी नहीं मिलेंगी तो यह डिजीज होने की वजह से भी आपकी बॉडी वीक हो जाती है और विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है द सिम्टम्स ऑफ वाइटामिन बी डेफिशियसी वेरी डिपेंडिंग ऑन विच बी वाइटमिन यू आर इन यानी कि डेफिशियसी जो है उसके ऊपर आधारित है उसके ऊपर डिपेंड्स है कि कौन से वाइटामिन बी का कौन सा टाइप जो है उसका आपको सोर्स नहीं मिल रहा है तो ये सभी टाइप्स जो है आपकी बॉडी के लिए जरूरी है दे कैन रेंज फ्रॉम एंड कंफ्यूजन टू एनीमिया और अकम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम स्किन ड्रेसिस ऑल्सो कैन आकर यानी कि बी वाइटामिन जो है उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है स्किन प्रॉब्लम आ जाती है यह सभी वाइटामिन बी की डेफिशिय के करेक्टरिस्टिक्स हैं नाउ वाइटामिन बी डेफिशेंसी डिजीजेस वाइटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है तो इस फिगर में आप दे सक देख सकते हैं कि वाइटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से जो बेरीबेरी बेरी होता है उसमें स्किन पे रेसिस हो जाती है वाइटामिन बी टू कजिस एरीबोफ्लेविनोसिस एरिबोफ्लेविनोसिस जो है उसमें आपके जो लिप्स है उसकी जो पास में ब्लड निकलने लगता है वाइटामिन बी थ्री कजिस पैलागरा जो है उसमें आपकी जो स्किन है ऊपर की स्किन जो है वह निकल जाती है वहाँ पेरेसिस हो जाती है और रेड स्किन हो जाती है वाइटमिन बी फाइव की डेफिशिएंसी से पेरेस्थेसिया होता है पेरेस्थेसिया में आपकी बॉडी में कभी कभी झनझनाहट सी महसूस हो जाती है और कभी कभी आपके पाँव जो है उसमें झंझनाहट महसूस होती है और वह भाग सून हो जाता है और कभी कभी पैर जो है वह सो जाता है ऐसा पेरेस्थेसिया में होता है विटामिन बी सिक्स की वजह से एनीमिया हो जाता है एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो अमाउंट हो जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है और एनीमिया सेल है उसमें बहुत ही कम ब्लड पाया जाता है नॉर्मली जो ब्लड होता है वो थर्टीन के आसपास होता है वाइटमिन बी सेवन ज डर्मेटिट्स एंड एंट्रीज वाइटामिन बी सेवन की कमी की वजह से डर्मेटिट्स होता है जो फर्स्ट फिगर में आप दे सकते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे आपको वाइटामिन बी सेवन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे जो आपको एक छाटा जैसा हो जाता है और रेड रेड आपकी स्किन हो जाती है रेसिस हो जाता है और वहाँ की स्किन बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है और वहाँ पर दाने दाने जैसा आपको दिखाई देने लगता है एंड एंटरिस्ट में जो है वह क्या होता है आपकी जो छोटी आंत होती है वो आंत में आपको सूजन सी महसूस होने लगती है और कभी कभी जो है वह इतना बढ़ जाता है कि सूजन जो है स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन तक चली जाती है और आपकी स्टमक में भी आपको पेट में भी आपको सूजन से महसूस हो जाती है और ये जो सूजन है वे हो जाने की वजह से आपको दस्त हो जाते हैं या फिर पेट में जो है वो ऐसा सूजन सा महसूस हो जाता है और मतली आना वो उल्टी आना जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है नाउ वाइटामिन बी नाइन की डेफिशिएंसी से हमें हेयर फॉल हो जाता है एंड वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से हेयर लॉस जो है वो हो जाता है नाउ

इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्कर्वी मोस्टली जो है वो उसकी डेफिशेंसी की वजह से स्कर्वी हो जाता है तो अगर स्कर्वी को आपको क्योर करना है तो वाइटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए वाइटामिन सी एंड एसेंशियल न्यूट्रियवॉल्व इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड दिफॉर्मेशन ऑफ कोलाइजन एंड द एन्जाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टन न्यूरो ट्रांसमीटर्स वाइटामिन सी जो है वो कोई भी आपकी बॉडी के टिश्यूज है वो जल्द ही रिपेयर कर देता है कोलाइजन फॉर्मेशन में आपकी स्किन से रिलेटेड है दिसोर्सेस ऑफ वाइटामिन सी here these are the, some sources of vitamin c like citrus food citrus fruit like oranges and lemons and strawberries and peppers like black currants broccoli and brussels sprouts potatoes potatoes also have a vitamin c what is vitamin c deficiency deficiency और अलैक ऑफ वाइटमिन सी इन योर बॉडी हैपन्स बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाइटमिन सी इन योर डाइट वाइटमिन सी अगर आप डाइट में अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं तो उसकी डेफिशेंसी हो जाती है ओवर टाइम अलैक ऑफ वाइटमिन सी मीन्स डेट न्यू कोलाजन कैन नॉट फॉर्म दिस कजिस वेरियस टिश्यूज इन योर बॉडी To start to break down, and the health and repair of your body become affected. यानी कि बहुत ही ज़्यादा दिन तक आप वाइटामिन सी नहीं ले रहे हैं और वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी ज़्यादा टाइम से आपकी बॉडी में चल रही है तो कोलाइजन फॉर्म नहीं होता है और आपकी जो बॉडी के टिश्यूज़ है ब्रेक ब्रेकडाउन हो जाते हैं एंड आपकी बॉडी के टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाते हैं वे अफेक्टेड हो जाते हैं तो वाइटामिन सी की वजह से डिजीज हो जाते हैं लाइक स्कर्विंग परसिस्ट यानी कि क्रॉनिक वाइटमिन सी डेफिशिएंसी यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड थ्री मंथ्स और मोर कैन लीड टू एन इलनेस नॉन एज स्कर्वी अगर तीन महीने से ज्यादा और उससे भी ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में वाइटमिन सी की डेफिशिएंसी रह जाती है तो आपको स्कर्वी हो जाता है वाइटमिन सी डेफिशियंसी डिजीजेस हेयर सम डिजीजेस कल्स्ट बाई वाइटामिन सी डेफिशियंसी फर्स्ट वन so जो दांत है, है और बहुत ही वीक हो जाते हैं स्कर्वी में अनदर डिजीज कस्ट बाय वाइटामिन सी डेफिशेंसी इज हाइपर थायरोडिजम सो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हेल्दी जो थारॉयड होता है नॉर्मल थाइरोड उसकी साइज कितनी होती है और अगर हाइपो हो जाता है तो ये जो थाइरॉयड ग्लैंड होती है उसकी साइज जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ब्लगिंगइस ये भी हो जाता है और गोइटर हो जाता है गोइटर की वजह से गोइटर किसको बोलते हैं जहाँ पे आपकी जो थाइरॉयड ग्लैंड है वह फूल जाती है बहुत ही एनलार्ज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर थायरोडिज़म सो हाइपर so, थारोडिज़म वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है अनदर डिजीजिज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि कार्डियोवास्कुलर एजिंग आप में होता है स्ट्रेसफुल एन्वायरमेंट आपका रहता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप में रहता है और इन्फ्लेमेशन होता है तो सच डिजीज लाइक हाइपर टेंशन हार्ट फेलियर एट्रियोस्क्लेरोसिस एंड एथ्रोस्लैरोसिस एंड माओकारडियल इन्फेक्शन स्ट्रोक जो है वो आ जाता है अनदर डिजीज इज ब्लीडिंग गम्स यानी कि आपके जो गम्स होते हैं उसमें से ब्लीडिंग निकलता है टीथ में से यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वे वाइटामिन सी की डेफिशियसी से निकलता है अनदर डिजीज इज पोअर हेयर यानी कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है अगर वाइटामिन सी की डेफिशेंसी है तो और हेयर फॉल भी हो जाता है अनदर वन डिजीज इज लाइक एनिमिया इन एनिमिक पेशेंट्स वी कैन सी थैट द

I hope you understand all the topics we are discussing in this video. Thank you. If you have any doubts, you can send uh, a message on my chat box. Please like, share and subscribe my channel for more videos. Hasti Roja. Thank you so much.